खोजी टीवी के मुअज्जिज दोस्तों, मिक्स अचार पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। एक तरफ तो इमरान खान ने फाइनल ओवर कराने की तैयारी पकड़ ली है, वहीं दूसरी जानब जिमनी इंतखाबात के नतायज के बाद इम्पोर्टेड को न्यूट्रल्स ने झंडी दिखा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात हुई। इसमें शहबाज शरीफ ने इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, तो इसके जवाब में दूसरी जानब से उन्हें घर चले जाने का मशवरा दिया गया। अब इस खबर में कितनी सदाकत है, इसका तफसीली पोस्टमार्टम हम आज की इसी वीडियो में करेंगे। इमरान खान ने फाइनल ओवर से पहले अपने सबसे बड़े मुखालिफ और दुश्मन नंबर एक पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स बरसाकर उसे मैच से पहले ही इंजर्ड करने का ना सिर्फ मंसूबा बना लिया है बल्कि इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद मरियम नवाज को लेने के देने पड़ गए हैं। लंदन जाने से पहले मरियम नवाज, जो यहाँ शतरंज की बिसात बिछा कर गई थी, इसके तमाम मोहरे इंतखाबी नतायज के बाद आगे पीछे खिसक गए हैं। मरियम नवाज ने लंदन जाने से पहले पंजाब में इन हाउस तब्दीली का पूरा मंसूबा बनाया था और वो इस पर लंदन में अपने वालिद को एतमाद में लेने के बाद ग्रीन सिग्नल देती तो यहाँ तब्दीली पर अमल दरामद शुरू किया जाता, लेकिन ये सारा मामला खटाई में पड़ गया। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कुर्सी मजबूत और मजबूत है बल्कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है, इसे भी तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और खबर भी देते चले कि MQM पाकिस्तान की हुकूमत छोड़ने की धमकियों के बाद इन्हें जबरदस्ती के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ भी इन्होंने MQM के मुतालबात पर अमल दरामद करने की बजाय सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई और तसल्लियाँ दी, जिस पर MQM मजीद तप गई और उसने हुकूमत छोड़ने का असूली फैसला कर लिया है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि MQM की जानिब से इमरान खान और PTI की मिन्नत समाजत की जा रही है कि वो दोबारा इत्तेहाद करने को तैयार है, लेकिन अब की बार इमरान खान की जानिब से इन्हें झंडी दिखा दी गई है। खान पर भी कारकुनों का बहुत ज्यादा दबाव है। इसकी एक वजह यह है कि कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs और दर्जनों MPAs हैं। MQM से इत्तेहाद का मकसद इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना भी होगा, जिससे PTI को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। पिछले बलदियाती इंतखाबात के दौरान भी हमने यही देखा था, जब PTI और जमात इस्लामी मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरे तो कराची में इन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन-ए-गिरामी, इमरान खान और PTI का मुकाबला अब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUIF और अवामी नेशनल पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन से है। खान ने भानमती के इस कुंबे को ऐसा धोबी पटखा मारा है कि ये इंतखाबी मैदान में इसका मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहे। अब सिर्फ PTI का मुकाबला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है। कप्तान ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। आईन के आर्टिकल 209 के तहत दायर किए जाने वाले इस रेफरेंस में मौकफ इख्तियार किया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हलफ और कवायदो जवाबित की खिलाफ वर्जी की। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों के मामले पर जानबदाराना रवैया इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया सवालिया निशान है, लिहाजा इन्हें इस अहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। जब PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के मुतालिक सवाल उठाती है तो अजीबोगरीब मंतक और जवाब घड़ा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान की हुकूमत ने तैनात किया था। अब इनसे कोई पूछे कि अगर एक मरतबा कोई गलती हो गई तो क्या अब बार बार उसी गलती को दोहराया जाए। इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हुकूमत के हाथ की छड़ी बने हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जाती उमरा जाकर मरियम नवाज से हिदायत लेने का इल्जाम भी लगाया जा चुका है। वैसे तो इस मनसब का तकाजा ये है कि जिस शख्स पर इल्जाम लगे उसे फौरी तौर पर अहदा छोड़ देना चाहिए, लेकिन न जाने इलेक्शन कमिश्नर साहब की कौन सी मजबूरी है जो वे इस अहदे से चिमटे बैठे हैं, और ये भी हो सकता है कि इनके आका इन्हें ये अहदा छोड़ने ही ना दे रहे हों। प्यारे दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई, जो अपने वक्त से काफी तवील हो गई क्योंकि शाम को 5 बजे प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, लेकिन इनकी आर्मी चीफ के साथ होने वाली बैठक काफी तवील हो गई। यही वजह है कि 5 बजे की वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करना पड़ी और फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्रीफिंग दी। सीनियर सहाफी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले नजम सेठी ने इशारों में मुलाकात में होने वाली राजो न्याज की बातों से पर्दा उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के सामने
इमरान खान के मुमकिन लॉन्ग मार्च का मामला उठाया, जिस पर इत्तेफाक किया गया कि इस वक्त मुल्की हालात लॉन्ग मार्च या सियासी अफरा तफरी का माहौल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा नजम सेठी ने दावा किया कि मुलाकात में तय कर लिया गया है कि पहले इमरान खान से मुजाकरात के जरिए इन्हें लॉन्ग मार्च न करने पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बजेद रहे तो फिर बजोरे ताकत इन्हें लॉन्ग मार्च से रोका जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अतवार को होने वाले ज़िमनी इंतिखाबात के बाद पीडीएम का पंजाब में इन हाउस तब्दीली का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। ये तो सभी जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतद्दिद अरकान असेंबली को खरीद लिया था। इनकी प्लानिंग थी कि पहले पंजाब असेंबली में तहरीके अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराई जाए, इसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आए ताकि अगर जेल जाना भी पड़े तो वहाँ इन्हें सहूलियात मिल सके। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले दो अरकान असेंबली को इम्पोर्टेड टोले ने पैसे की चमक से खरीद लिया था, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की जानिब से इमरान खान की पजीराई देखने और अगले इलेक्शंस में अपना हशर सोचकर लोटा बनने वाले दोनों एमपीएज ने मुस्लिम लीग नून के लोगों से राब्ते मुनकता कर दिए हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि इमरान खान बिल्कुल बेखबर हैं और इन्हें इनकी धोखेबाजी और साजबाज का कोई इल्म नहीं है तो ये महज गलत फहमी में रहते हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को अपने अरकान की एक एक हरकत का इल्म होता है, लेकिन कप्तान वक्त का इंतजार करता है और फिर इन्हें बेनकाब करता है। तहरीके इंसाफ के लोटे अरकान से जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से राब्ता किया गया तो उन्होंने बड़े मजे का जवाब दिया। उनका कहना था कि जब मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतिखाबात में अपने घर की नशिस्तें नहीं बचा सकी तो वो हमें क्या बचाएगी। दोस्तों, यही पाकिस्तानी सियासत का वो कड़वा सच है जिसे नून लीग तस्लीम करने पर ना तो आमादा है और ना ही इसका सामना करने के लिए तैयार है। इस हुकूमत की जानिब से पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मंसूबे के तीन फेज थे। पहले मरहले में स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश होना थी, दूसरे मरहले में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लानी थी, कामयाबी की सूरत में पंजाब असेंबली के सेशन को गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करना था, तीसरे मरहले में गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहना था। ज़िमनी इंतिखाबात में खिलाफे तवक्को नताइज के बाद पीडीएम की इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश अधूरी रह गई, या यूं कह लें कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दूसरी जानिब एमक्यूएम वफद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने शिकवों और तहफ़ुज़ात की लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश की, लेकिन शहबाज शरीफ ने किसी भी किस्म की यकीन दहानी कराने से साफ माजरत कर ली। शहबाज शरीफ ने मौकफ इख्तियार किया कि वो आसिफ जरदारी और पीपी पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, जिसके बाद एमक्यूएम वफद नाकाम और नामुराद होकर इस्लामाबाद से लौट आया और अब इम्कान ये है कि अगले चंद घंटों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलैहदगी का ऐलान कर देगी। कुछ लोगों की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा की मुलाकात खुशगवार नहीं रही और हो सकता है कि कामरान टीसूरी को गवर्नर सिंध बनाने का हुक्म देने वाले एमक्यूएम को हुकूमत छोड़ने की हिदायत भी दे दें। खैर, गेम अब काफी दिलचस्प हो चुका है। फिलहाल इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।